हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। सुबह के 5:10 हो गए हैं, मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक ट्रैवल ब्लॉग। तो हम आज बाइकिंग नहीं कर रहे हैं, आज हम जा रहे हैं बाइक कार। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दोस्तों, हम जा रहे हैं अमृतसर, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल। तो कल रात को ही मेरे दोस्त मित्र का फ़ोन आया था, मिस्टर सूरी का, कि भाई चलना है गोल्डन टेम्पल चलना है। मैंने कहा चलो यार, हम तो एवर रेडी रहे घूमने फिरने के लिए और अपने एक्सट्रीम फैमिली के लिए नए नए ब्लॉग बनाने के लिए। और वहाँ से फिर हम आगे आई थिंक बाघा बॉर्डर और अपना जलियांवाला बाग। तो ये चीज़ें भी मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी मेरे दोस्त अभी जस्ट पहुँचने वाले हैं, अभी उनका फ़ोन आ चुका है कि भाई तैयार हो जाओ, पहुँच जाओ 5 मिनट में। ये दो मेरे दोस्त हैं, खतरनाक दोस्त हैं। ये मैं हूँ, मैं ज़्यादा खतरनाक हूँ। ये है राकेश सूरी भाई, ये लंबा है और ये विजेंद्र है, और ये हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी है। और हम जा रहे हैं अमृतसर, अमृतसर बहुत मस्ती करेंगे, और तारपुर जाएंगे, तरन तारण जाएंगे, फिर उसके बाद बाघा बॉर्डर जाएंगे, फिर जलियांवाला बाग जाएंगे, और फिर दारू पिएंगे। पता कब आएंगे, नहीं पता कब आएंगे, अब जा रहे हैं, आने का नहीं पता है। लव यू ऑल, बाय गाइस। ये हम सब चल पड़े हैं, ये प्रदीप लांबा जी हैं, इन्होंने अभी इस समय पूरी वीडियो बनानी शुरू कर दी है। ये मिस्टर प्रदीप लांबा है, ये कैप्टन है हमारी टीम के, इन्होंने गोल्ड टोपी डाली हुई है इसलिए ये कैप्टन है। गोल्ड टोपी वाला कैप्टन होता है, छोटी टोपी वाला उप कप्तान होता है, और पीछे विकेट कीपर बैठा हुआ है। तो हम और हमारी टीम ऑन द वे फॉर अमृतसर, अमृतसर ऑन द वे फॉर अमृतसर, अमृतसर। ये दिस इज द विकेट कीपर। अब ये सोनीपत बॉर्डर है, और सोनीपत बॉर्डर पे भी आप देख सकते हैं कि ये पूरे किसान यूनियन, पूरे किसान भाई सारे बैठे हुए हैं। और मैं राकेश सूरी ड्राइवर हूँ इस समय, ड्राइव कर रहा हूँ। ये लांबा जी हैं, इनकी नींद खुल गई है। अब ये मेरे को कह रहे हैं मुरथल में कहीं रुकते हैं, लेट अस हैव ए ब्रेकफास्ट। मैं कहा चलो देखते हैं, मुरथल की चाय पीकर देखेंगे। ये पीछे हमारे विकेट कीपर बैठे हुए हैं, ये विकेट कीपर है, विकेट कीपर मिस्टर बिजिंदर, कैप्टन मिस्टर लांबा, और वाइस कप्तान मिस्टर राकेश सूरी। हम सारे जोन से हैं, एक ऐसी टीम के कप्तान और उप कप्तान और कीपर है जिसका अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि ये गेम कौन सी है जिसके हम कप्तान और उप कप्तान और कीपर है। भाई वैसे हम जा कर रहे हैं, ये हम जा रहे हैं, ये मैं हूँ, ये लांबा जी है, ये बिजिंदर है, हम जा कर रहे हैं, अभी इसका पता नहीं है, अभी इसका पता नहीं है, पर हम कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि बुजुर्ग कहते थे जब तक नदी ना आ जाए, नाला ना आ जाए, और पहाड़ ना आ जाए, चलते रहो चलते रहो। तो हमने एक लिया है छोटा सा ब्रेक, और ये देखिए पीछे एक खेत है, और ये बिल्कुल खेतों के बीच में हमने अपनी गाड़ी लगाई है, और पीछे हाईवे जा रहा है, पीछे देखिए, और ये हमारे भाई लोग। तो सूरी साहब क्या क्या तैयार किया अभी आपने? देखिए दोस्तों, हम बड़े भोले आदमी हैं, हम अभी लाइट ब्रेकफास्ट नहीं है, ये अभी हमारा बीच में ब्रेक जर्नी का एक पॉइंट था। तो ये छाछ है, और इसको जो हम अभी पीने लगे हैं ग्लास में डाल के, और ये अभी हमने जो बनाया है ये ब्रेड है, ब्रेड के अंदर गार्लिक चीज लगाया है, प्लेन वाला नहीं लगाया क्योंकि हम थोड़ा चटपटा खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे रस हैं, और इसमें फैंटेसी के बिस्किट हैं। ये चल रहा है कार्यक्रम, और अभी 3 दिन यही चलता रहेगा, बीच में रुक रुक और के। लोकेशन देखो हमारी, लोकेशन देखो, तो लोकेशन देखो यार, ये हमारे खेत है, ओए होए होए होए, ये हमारे खेत है, इसके अंदर हमने गेहूं लगाया हुआ है, और ये बिजिंदर है, और ये जो आपकी वीडियो बना रहा है ये श्रीमान लांबा, ये हमारी टीम के कैप्टन है। और कैप्टन जो है वो कैप्टन ही होता है। एक मिनट मेरे को चश्मा नीचे करने दो, मेरे थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा जवान लगूंगा। और ये जहां तक आपकी नजर जा रही है, ये सारी जमीन हमारी नहीं है, सारी जमीन, जितने भी आप ये जमीन देख रहे हैं, ये बिल्कुल हमारी नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे यात्री हैं, और ये हमारी छाज है,
और ये हमारी कार है और ये हमारी कार है और ये हमारे डाल दिया इसके अंदर। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये ताजा दूध की है, ये देखिए कैसे निकल रहा है, देख रहे हैं आप। हम लोग इस समय करनाल डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज था जहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। विलेज का नाम क्या है? बराना विलेज है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हम रुके हुए हैं। यहाँ पर अभी हमने ब्रेकफास्ट करा, तो ये हमारे भाई बंधु हैं, ये विलेज के हैं, यहाँ के इनके खेत है, इनकी खेत है ये। और वो सामने जो इनका घर है, हम अभी जहाँ पे खड़े हुए जो रेलवे ट्रैक देख रहे थे वो सामने, ये सामने इनका घर है। और इन्होंने हमें वहाँ पर देखा तो ये हमसे मिलने चले आ गए। तो यही, इसे ही बोलते हैं डिफरेंस, जो लोग शहरों में रहते हैं और जो गांव में रहते हैं, कि एक दूसरे को कहीं देखते हैं तो उसकी मदद के लिए या कैसे आए हैं वो पूछने जरूर आते हैं। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब इस तरफ से निकलो तो आप बीच में किसी न किसी गाँव में जरूर रुको और अपने बच्चों को बताओ कि आज भी जो गाँव है वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि कैसा माहौल कैसा है, वहाँ पर लिविंग स्टाइल क्या है, वहाँ पे खेत है, उनको देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस अभी हम हैं लुधियाना के मॉडल टाउन में। हाँ, बिल्कुल लुधियाना के मॉडल टाउन में है ये लुधियाना। ये प्रदीप है, ये राकेश सूरी है और ये लुधियाना का मॉडल टाउन है। तो हम यहीं पे हैं, ये भी आ गए हैं, ये यहाँ पे आ गए हैं, ये वेजिटेरियन आदमी हमारे साथ जा रहे हैं, वेजिटेरियन। और ये हमारे राजीव भाई, ये हमारे एक दोस्त हैं, उनका जो हमारे हर प्रणाली के दोस्त हैं राजीव भाई, उसके घर आए थे उनसे मिलने। हाँ। और अब उन्हीं को साथ में लेके चल रहे हैं, अब उन्हीं को लेके। और इसमें अमृतसर, अभी आपको एक छोटी सी और बात देता हूँ, वो जो राजीव जी हैं वो इनके दोस्त हैं, इनके साथ में स्कूल कॉलेज में गुल्ली डंडा खेलते थे, अब हम उनको अपने साथ में ही ले जा रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना, अभी बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि ठेके खुल गए हैं, 12 बज चुके हैं, आप देखिए आगे आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी गाड़ी है, ये मिस्टर लांबा है, ड्राइव कर रहे हैं, भूत बने हुए हैं मास्क लगा के। ये हमारी गाड़ी है और ये नेविगेशन चल रही है, और ये पीछे बैठे हुए हैं वेजिटेरियन आदमी और ये नॉन वेजिटेरियन आदमी है। ये अभी मुंह करके बोलना है, ये जो है, ये जो पीछे बैठे हुए हैं, ये जोन से हैं, ये डाकू मंगल सिंह हैं, और ये हमारे अपने आदमी हैं, ये शरीफ आदमी हैं। अभी इनको हमने लुधियाना से लिया है, वही इनको भी बता दिया गया है कि हमारे जाने का समय तय है, आने का समय तय नहीं है। और ये मैंने वापस मोड़ दिया है, ये हम फिर दोबारा से, पता नहीं अब लाइट चली गई है, बिजली कट पड़ गया है। लो जी, कट हो गया बिजली का। तो गाइस अभी हमने लिया है एक लंच ब्रेक और हम हैं फगवाड़ा में, और यहाँ का मशहूर जो नीटा चिकन कॉर्नर, ये देखिए सामने है नीटा चिकन कॉर्नर, और यहाँ का बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे हम आए हैं इस रेस्टोरेंट पे, अभी करेंगे हम लंच, और लंच करके हम फिर निकलेंगे बाहर आगे। A few moments later. तो गाइस समय हुआ है 3:30, 3:30 बज चुके हैं और हम लगभग अमृतसर पहुंच गए हैं। ये एंट्री गेट देखिए पीछे, ये अमृतसर का क्या एंट्री गेट सामने आप दिखाई दे रहा होगा, और ये जो रास्ता जा रहा है ये लाहौर को जा रहा है, पाकिस्तान को और बाघा बॉर्डर, और ये हमारे त्रिदेव त्रिदेव ये राजीव जी है, ये बड़े ठग है, और ये हमारी कार है, ये हमारी महिंद्रा एक्सयूवी है, और हम अमृतसर के गेट के बाहर पहुंच गए हैं। थैंक यू थैंक यू। अब सीधे चलते हैं होटल और वहां करेंगे चेक इन। यहां से हमारा होटल एमके इंटरनेशनल है। अब
अभी ये पीछे आप गेट देख रहे हैं, जैसे ही हमने क्रॉस किया हार्डली हम 100-150 मीटर आए होंगे और हमारी गाड़ी हो गई है पंचर। ये देखिए पीछे हमारी कार को पंचर लग रहा है, एक कील इसके अंदर चला गया है और उसकी वजह से काफ़ी देर चले ना तो टायर भी कट गया रहा साइड से। तो अभी हमने स्टेपनी बदल दी है, अब बस इसके बाद हम चलेंगे और कहीं रास्ते में पैच लगवा के इसमें ट्यूब डलवानी पड़ेगी भाई अपनी कार में, कोई ना कोई पंगा हो ही जाता है। तो अभी जाएंगे इसके बाद सीधा होटल में। और गाइस हम पहुंच गए हैं एमके होटल जो कि अमृतसर में है, और ये पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है और हम सामान अनलोड कर रहे हैं। और ये मेरे पीछे देखिए एमके होटल और ये एंट्री पॉइंट है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, अपना सामान लेके चल रहे हैं कमरे में और वहाँ पे हम करेंगे थोड़ा रेस्ट और उसके बाद निकलने चलेंगे आगे अमृतसर घूमने। ये प्रदीप हैं, ये विजेंद्र हैं और ये राजीव हैं और हम अपने होटल के कमरे में पहुंच चुके हैं। तो शराब पीने की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारी बोतल है, ये 4 गिलास। तो गाइस अभी 8 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं अमृतसर की लोकल मार्केट में और 3:30 बजे हम पहुंच गए थे अमृतसर में। और सूर्य साहब चल रहे हैं, आपको बता देता हूँ अभी हम अभी हम ना एमके होटल में हैं और यहाँ पे अमृतसर में 9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं और 8 बजे लग जाएगा अभी। तो हम अभी जा रहे हैं कुछ खाना पाना अंदर डालने के लिए और ना हमारे पास शराब है, ना हमारे पास गिलास है, ना हमारे पास सोडा है और बर्फ भी खत्म हो गई है और ना ही हम ये चीजें पीते हैं। चलो थैंक यू। अब जा रहे हैं मार्केट, वहां दिखाते क्या क्या खा रहे हैं। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10:15 और हम अपने होटल एमके में पहुंच चुके हैं, साथ में हैं हॉलीडे इन और लगभग हम 8 बजे निकले थे अपने होटल से और अभी खाना पीना खा के बिल्कुल फिट हो चुके हैं और वापसी अपने होटल में आ चुके हैं। तो आज का दिन हमारा यहीं पे होता है ख़त्म और कल का मैं प्रोग्राम बता दूं, कल हम जाएंगे गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे दर्शन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे जलियांवाला बाग। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम, जो फर्दर जो प्रोग्राम होगा वो हम आपको कल ही बताएंगे, ये 2 प्रोग्राम तो मैं अब फिक्स है हमारे। तो अब पहुँच चुके हैं होटल तो हम अब जा रहे हैं सोने, बिल्कुल काम फिट हो चुका है। तो गाइस कोई भी मेरा नया व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड राइड हार्ड राइड सेफ, वंदे मातरम एंड yeah.